जूले नमस्ते, आप सभी को हमारा हम सभी का नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया हूं और मैं आया हूं अन्ना हजारे जी की जो कार्य वाहक अध्यक्ष हैं इस वक्त, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कल्पना इनामदार जी, और जो कि महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं और पुणे से यहां चल के आई हैं। साथ ही हमारे साथ जो है तरुण जी हैं जो कि जम्मू से आए हैं, और तरुण उत्पल जी जो कि लगातार हम लोग के साथ यहाँ पे काम करते रहते हैं। बेसिक एक आने की यहाँ ज़रूरत क्यों महसूस हुई और सोनम जी को समर्थन देने के लिए हम लोग क्यों आए? विषय ये है कि ये आज एक समस्या जो सोनम जी ने उठाई, ये बिल्कुल जायज है, संवैधानिक तौर पे बिल्कुल सही है। सिक्स शेड्यूल की बात जो वो कर रहे हैं उसको सरकार को अपनी 19 के मुझे लगता है घोषणा पत्र में भी लिया था और उसको उनको मानना चाहिए, ऐसा हम लोगों का भी मानना है। देश आज की डेट में बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसको मुझे लगता है कि उस तरीके से पेश नहीं किया जाता है और हम लोगों को भी लगता है कि पेश नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मणिपुर हिंसा हुई तो देश में उसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। मणिपुर में भी सेम इस तरीके का एक मोटिव हुआ कि मैथई और कुकी समुदाय आपस में लड़ गए और उनको लड़े नहीं, उनको लड़वा दिया गया, कुछ खनिजकों के लिए, कुछ लोकल के लिए, कुछ पूंजीपतियों के लिए। तो हमारे देश के जो आला कमान है या हम कहते हैं सरकार है, उसको ये समझना होगा कि देश केवल व्यापारी दृष्टिकोण से नहीं चलाया जा सकता है। भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग हिसाब से उनकी ज़रूरतें हैं। आपको आदिवासी, जनजाति, ट्राइबल्स और जितने भी लोग हैं उनके बारे में भी सोचना होगा, उनकी बात करनी होगी और उनके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोकतंत्र का हनन है और लोकतंत्र की एक हिसाब से मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र की हत्या है। आप देखिए, बॉर्डर से सटा हुआ पंजाब है, लगातार किसान वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जान भी गंवा रहे हैं। आप मणिपुर पे देखिए, वहां कितनों ने जान गंवाई। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, रोज दंगे होते हैं। आज आप देखिए तमिलियंस की, उधर की हालत वैसे ही खराब है। कश्मीर पहले से था, आज की डेट में अगर सारी घाटियां और सभी इसी तरीके से अलग हो जाएंगे तो फिर एक समय के बाद समस्या उत्पन्न होगी जो सरकार किसी को रोके नहीं रुकेगी। तो मैं और मुझे लगता है अभी कल्पना जी इस बारे में अच्छे से आपको बताएंगी कि हम लोग जो है सोनम वांगचुक जी का समर्थन करते हैं और हम इन जिन जिन राज्यों में काम कर रहे हैं उन उन राज्यों में इनके इस पैगाम को लेके जाएंगे कि आप इस बात को समझिए। ये कोई मतलब शो, पॉपुलैरिटी, राजनीतिक या कोई सीट शेयरिंग के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये हो रहा है यहाँ के क्लाइमेट के लिए, ये हो रहा है आपके देश के लिए, ये हो रहा है आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो इसके लिए हम लोग सोनम जी के साथ में हैं, सिक्स शेड्यूल लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से फेवर में हैं और हमें चाहते हैं कि इस मुहिम में हम पूरे देश में सोनम जी के साथ जो है इस पे कर सके और चर्चा कर सके। कृपया जी प्लीज। जूले नमस्ते। सोनम जी आज 18 दिन हो गया वो अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सरकार बोलिए या केंद्र सरकार बोलिए उन पे ध्यान नहीं दे रही है। आज उन्होंने जिस मांगों के लिए जो आवाज उठाई है वो उनकी मांगे जायज है और वो मांगे पूरी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से महाराष्ट्र से आई हूँ तो इनकी जो मांगे है आज इस ये मांगों के लिए जो आवाज उठा रहे ये आवाज पूरे देश भर कैसे फैल जाए उस पे हमें एक रणनीति बनानी चाहिए और उस रणनीति बनाने के बाद हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि आज जो सरकार कर रही है, देखिए देश सबका है। अगर हर हर राज्य जो है मिलकर एक देश होता है, अगर जैसे कि अभी केंद्र शासित प्रदेश इसको कर दिया तो ये जो केंद्र सरकार जो कर रही है ये सही नहीं है। इन्होंने जो सिक्स शेड्यूल की जो मांगी रखी है ये इनकी पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी जो मांगों के लिए हम भी चाहते हैं कि हर राज्य में जो हम जहाँ जहाँ छोटी छोटी सभा लगवा रहे तो उधर हम लोग इनकी आवाज़ उठाएंगे। इनकी आवाज़ उठा के ये आंदोलन पूरे देश में कैसे फैल जाएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। मैं मेरा नाम स्टेट हाँ स्टेट स्टेट हाँ स्टेटहुड स्टेट स्टेटहुड पे मैं बोलना चाहूंगा। मैं जम्मू से हूँ
370 जब हटा तो सरकार ने टेम्परेरी कहा कि ठीक है इसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया जाता है, लेकिन आपको जल्दी स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन सरकार से कई बार अप्रोच करने के बाद भी फिर भी जो है स्टेटहुड जो है सरकार नहीं देना चाह रही अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये सही नहीं है। तो इसके अगेंस्ट जो है हमने अन्ना हजारे जी को भी जो है पत्र दिया है, आज उन्हीं की टीम से जो है कल्पना जी भी आए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी तो कि इस आवाज़ को हम देश भर में उठाएं और हम इस मूवमेंट का पूरा समर्थन करते हैं ताकि लद्दाख को जल्दी जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस मिले, क्योंकि मुझे लगता है लद्दाख को मिलेगा उसके बाद हो सकता है जम्मू वालों की भी कहीं ना कहीं आंखें खुले और वो भी इस चीज़ की मांग करें। क्योंकि सरकार ने जो है मजाक बना के रखा हुआ है, उन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की। यहाँ पे अब सोनम वांगचुरी जी ने जो मांगे की हैं, चाहे सिख शेड्यूल की बात करते हैं या स्टेटहुड की बात करते हैं या फिर जो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बताया कि यहाँ पे देखिए यहाँ का जो सॉइल है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, अगर बाहर से सभी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे माइनिंग जो है शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो इकोलॉजी सिस्टम है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, वो कहीं ना कहीं जो है खराब होगी। तो मुझे लगता है हम आज इनके ओपन समर्थन करते हैं इनकी मांगों का और प्रयास करेंगे कि देश भर में इस मूवमेंट को है जितना तेज हो सके, जितना बड़ा हो सके हम इसे बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जहां से दूर से आए हैं लद्दाख के जो डिमांड है आपने बताया, आपको पता भी चला है, तो हम जानना चाहेंगे कि बाहर किस तरह से आप समर्थन दिखाएंगे, क्योंकि लद्दाख में तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कारगिल से हैं, लेह से हैं, हर जगह से, गांव से यहाँ जुड़ने आ रहे हैं। तो बाहर आप जैसे कह रहे समर्थन आप दिखा रहे, तो किस तरह से आप समर्थन दिखा रहे? देखिए, आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बारे में पता होगा, मैं भी कोर कमेटी में रहा हूँ अन्ना जी की, कल्पना जी भी कोर कमेटी में थे, दीक्षित जी भी थे, तो हमें पता है कि मूवमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम यहाँ पे सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि मांगों को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं तो हमारा जो संगठन है सिर्फ लद्दाख पे, जिस तरह से आपका संगठन है इसी तरह पूरे पैन इंडिया लेवल पे हर राज्य में हमारा संगठन है। तो फिर हम अपने लोगों को एक्टिव करेंगे और हर राज्य में जो है वहाँ पे जो है प्रदर्शन हम शुरू करवाएंगे। तो